जितने लोग हैं उन सबको मैं एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा सर, प्लीज। ठीक है, छोड़ दूंगा, पर तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारे जैसे और कितने लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनसे लड़ने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। शाम होने से पहले सबको खत्म करना है, उसके बाद मुझे उससे मिलने जाना है जिसने तुम्हें मुझे यहाँ पर खत्म करने के लिए भेजा। परेशान करता है कि अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोपहर में फोन आया था, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए दो दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अचानक उन्हें अटैक आया और वो नहीं रहे भरत। की बात नहीं मान रहे हो? प्रॉमिस करो अब नहीं खाओगे, करो प्रॉमिस। उस बेवकूफ शेर ने अपने शिकार को खो दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। समझदारी ताकत से हमेशा बड़ी होती है। चलो बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। पर पापा कब आएंगे मम्मा? किसी काम से बाहर गए हैं, कल आ जाएंगे। फिर वो चले भी जाएंगे? काम के लिए तो जाना पड़ता है। चलो सो जाओ। राघव, हमें सुबह 5 बजे निकलना है। ओके, आ जाऊंगा। चल ठीक है, बाय बाय। मैं उसे जरा सा भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं हूँ ना, और तुम्हारे लिए। तुम अपनी दवाई टाइम पे ले रही हो ना? सूरज डूब जाता है
पर हमसे प्रॉमिस करके जाता है कि वो फिर निकलेगा। अपना प्रॉमिस तोड़े बिना वो हर दिन निकलता है। जरा सोचो, अगर वो प्रॉमिस तोड़ दे और ना निकले तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। हमारे अंदर भी एक रोशनी होती है, अगर उसे जलाए रखना है तो हमें कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। कैसे हो भरत? ठीक हूँ अंकल। राघव, इलेक्शन पास आ रहे हैं, हमें अपना एरिया कवर करना है, कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे यहाँ अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो उसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। ये क्या कह रहा था? देखो, तुम अपने लिए मत करो, लेकिन उसे तो मां चाहिए ना। इस उम्र में उसे बाप से ज्यादा मां की जरूरत है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो खुश नहीं रहेगा, तुम्हारा भी काम में मन नहीं लगेगा। बात को समझो। सो गए हैं भाई, सुबह जाएंगे वो। मुझे और प्रमिला को लंदन में एक ही हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। बहुत खुशी की बात है। अगले हफ्ते ही निकलना है। हाँ। भरत और सुभाष को तो जैसे एक दूसरे की आदत सी हो गई है, जो करते हैं एक साथ करते हैं। हाँ। भरत हमारे साथ वहां चलकर पढ़ना चाहता है। वाह। हाँ। वो भी बच्चा है, सुभाष की वजह से कह दिया होगा। उसकी बात को सीरियसली मत लो। ऐसा नहीं है भैया, वो सच में जाना चाहता है, और वो जगह हमारे लिए भी नहीं है, हम वहाँ बिजी हो जाएंगे। ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। भरत, लंदन जाना है तो वहाँ पर अकेले रह पाओगे? मैं रह लूंगा पापा, मैं सुभाष के साथ रह के पढ़ाई कर लूंगा।
भैया। पहले से उसे अस्थमा था, ठंड की वजह से अस्थमा बढ़ गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सोचा था दो दिन में ठीक हो जाएगा, पर अचानक वो हम सबको छोड़कर चला गया। तुम्हारे आने तक सोचा कि उसे रोक ले, पर एक भगवान जैसे नेता के जाने की खबर उसके चाहने वालों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और हर पल हालात जो थे काबू से बाहर होते जा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और कल शाम को। अंतिम संस्कार किसने किया? छोटे बेटे ने। सिद्धार्थ, मैं भारत हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। टाइम पर नहीं पहुंच पाया, पर तुम डैड के पास थे, मेरा काम तुमने कर दिया। थैंक्स फॉर डूइंग दैट। नहीं राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे नए चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में कौन है आज हमारे लाइव शो पर। आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है हमारे नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? वनराजी होंगे, और कौन होगा? उन्होंने और राघव राजी ने मिलकर तो नवोदय पार्टी खड़ी की। राज्य के बहुत बड़े नेता हैं वो, पर वो कभी ये पद लेना ही नहीं चाहते थे। मुझे लगता है उनकी पत्नी उनकी जगह चीफ मिनिस्टर बनेगी। भैया फ्रूट्स, कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, मंजू, देख रहा हूँ सिद्धार्थ किसी से बात नहीं कर रहा, बहुत ही चुपचाप रहता है। वो बहुत दिनों से किसी से बात नहीं कर रहा, माँ और पापा से भी नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, बस वो ऐसे ही किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आप में ही खोया रहता है। कार की चाबी मिलेगी? मुझे कहीं जाना है। सर मैं ले चलता हूँ जहाँ आप जाना चाहेंगे। नहीं नहीं, मैं चला लूंगा, पास ही जाना। ये लीजिए। देखिए भैया, चारों तरफ लोग यही बात कर रहे हैं कि आपको सीएम बनने में कोनो इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा पार्टी जो है वो टूट जाएगा। भैया जी, हम का कह रहे हैं कि पार्टी के बहुत सारा मेंबर और ये जो एमएलए है वो चाहता है कि हमको आप सीएम। देखिए भैया जी, आप ही के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आपके साथ पुराना रिश्ता होने की वजह से हम एक बात साफ साफ कहेंगे, हम
हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पार्टी टूट जाए। चलते हैं भैया जी। मैं तो बस एक छोटा सा मजदूर नेता हुआ करता था जी, और आपने मुझे मिनिस्टर बना दिया गांव से उठा के। साहब जी, मेरे लोग तो यही चाहते हैं कि सीएम कोई अच्छा आदमी बने, पर जब पता चला कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, नहीं बन रहे हो, नहीं बनना चाहते हो, तो साहब मैंने सोचा कि क्यों ना जनता के भलाई के लिए मैं भी कुछ कर लूं, जीवन में मैं भी पुण्य कमा लूं। जो मेरी पार्टी के लोग, मेरे कार्यकर्ता है ना, कहते हैं कि आज के दौर में मैं ही हूं जो उनके नैया पार लगाऊंगा, कि सब थारे हाथ में। राघव का बड़ा बेटा है, ये अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट है, और ये उनका बेटा। हे अंकल, कल की फ्लाइट की तैयारी कर रहा हूं, वो कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। टिकट कैंसिल करा दिया है। तुम्हें अब यहीं पर रुकना होगा भरत, इस स्टेट का नया सीएम बनना होगा। आप मजाक करें ना, मैं सीएम बनूं? आपको तो बताइए कि मैं बात को समझो, और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे पिता के बाद पार्टी में हलचल मच गई है, उन्हें कंट्रोल में करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये मेरा काम नहीं है अंकल, और मैं तो यहां का हूं। तुम उसके बेटे हो, ये बात कभी मत भूलना। उसकी जगह लेना तुम्हारा अधिकार है, और यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा तो काबिल है। लेकिन तुम भी काबिल बन सकते हो। पार्टी में मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं भरत। जब से पार्टी बनी हमने यह डिसाइड किया था कि सीएम वो बनेगा और पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तब से ऐसा ही चलता आ रहा है, पार्टी को संभालना मेरी जिम्मेदारी, सिर्फ मेरी। इस वक्त जो भी राजनीतिक हालात हैं, अगर कोई और सीएम बना तो पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। पार्टी को अगर बचाना है तो तुम्हें सीएम बनना पड़ेगा। यहां सिर्फ 10 दिन हुए, यहां किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं पता मुझे। देखो, हर चीज की एक शुरुआत होती है, और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। देखो भरत, हमने इस पार्टी की शुरुआत लोगों और राज्य की भलाई के लिए की थी, गरीबों के उत्थान के लिए की थी। वो बीच में छोड़कर चला गया। जनता का काम करते हुए भी उसने हमेशा एक बाप होने का फर्ज निभाया। उसने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि वो अपने काम में डूबा हुआ था। इस बात को दिल से मत लगाना, 25 सालों का सपना है ये। ऐसे ही किसी अरे गरे को सीएम बनाकर सामने नहीं ला सकते ना, बात को समझो। बेटे हो तुम उसके, तुम ही उसका सपना पूरा कर सकते हो। आज रात अच्छी तरह से सोच लो प्लीज। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा,
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और निर्वहन करूंगा शुद्ध अंतक और निर्वहन करूंगा शुद्ध अंतकरण से, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और अब राज्य सत्ता की बागडोर उनके हाथ में है। कुछ नेताओं और लोगों ने आने वाले दिनों में उनके काम को लेकर अपने विचार रखे। गुड मॉर्निंग सर, भास्कर आपका पीएसओ, पर्सनल सेक्रेटरी सर। हाय सर, प्लीज। मैं कई सालों तक आपके पापा का भी पीए रहा हूँ सर। हिंदी अखबार आप पढ़ लेते ना? यस सर। मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, पढ़कर सुना सकते हैं? हाँ जरूर सर। सिर्फ हेडलाइंस। ओके सर। राज्य के इतिहास का सबसे युवा मुख्यमंत्री, राज्य की राजनीति के नए उत्तराधिकारी श्री भरत बने नए सीएम, अंतःकरण, इसे छोड़िए। क्या लिखा? अब छोटा सा अखबार है सर, कुछ भी छाप देता है। तो पढ़ो। ओके सर। क्या शुद्ध अंतःकरण से काम कर पाएंगे? गो ऑन, पूरी न्यूज़ पढ़। ओके सर। आज राजभवन में कई पार्टी के नेताओं के सामने मिस्टर भरत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका शुद्ध अंतःकरण शब्द को न बोल पाना कार्यक्रम की चर्चा का विषय रहा। शुद्ध अंतःकरण न बोल पाना चल सकता है, पर सवाल यह है कि क्या वो उसके अर्थ का निर्वहन कर पाएंगे जो सोशल मीडिया में। बस काफी है। वो क्या शब्द है भास्कर? शुद्ध अंतकरण सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं मुख्तार आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। हेलो मुख्तार सर, प्लीज सर। रोड से इतने खाली क्यों है? ट्रैफिक रोक दिया क्या? जब सीएम की सवारी निकलती है तो ट्रैफिक रोकना ही पड़ता है सर। अगर हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे सर, आप पहले भी देख चुके हैं। आप इन लोगों की भलाई के लिए तो काम कर रहे हैं, अगर टाइम पे काम पूरा करना है तो थोड़ी परेशानी तो इन्हें उठानी पड़ेगी। श्रीवास्तव, चीफ सेक्रेटरी। प्लीज। थैंक यू सर। ये आपकी पर्सनल टीम है सर,
किसी भी फील्ड या इशू को लेकर ये आपको असिस्ट करेंगे। थैंक यू जेंटलमैन। आप सब जानते हैं मैं किन हालातों में सीएम बना हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टेट के बारे में, इस काम के बारे में कुछ नहीं जानता। या इट्स ट्रू, जानता हूँ बहुत अजीब है। आप सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बट ट्रस्ट मी, आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर। बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। मैं ऐसा सीएम बन के दिखा सकता हूँ जैसा आप सब चाहते हैं। हम सब आपके साथ हैं सर, ऑल द बेस्ट। कल सुबह हम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो वी विल एड्रेस यू ऑल द की इश्यूज सर। पर उससे पहले मैं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहता हूँ। राइट सर। क्या उससे कंसर्न ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो सकती है? श्योर सर, कल सुबह फर्स्ट आवर ठीक रहेगा? अभी नहीं हो सकती सर। राइट नाउ? श्योर सर। सर, अरुण कुमार, ट्रैफिक कमिश्नर। हेलो। और ये उनकी टीम है। टेक योर सीट्स। यहाँ जो ट्रैफिक की हालत है वो तो आप बेहतर जानते हैं। Terrible. Can I say disastrous? Yes, sir. Why? Population बहुत ज्यादा है सर। जब भीड़ इतनी ज्यादा हो तो मुश्किल हो जाती है। जब population ज्यादा है तो हमें ज्यादा planning और discipline की जरूरत है। Sorry to say this, लेकिन जानवर हमसे ज्यादा organized है। फुटपाथ पर लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, है ना? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। Are you? Yes, sir. कैसे? हम पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, वन वे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ज्यादा सिग्नल्स लगा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ट्रैफिक एड्स चला रहे हैं। और फाइन का क्या? सर, फाइन कैसे चार्ज करते हैं? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े गए तो 500 सर, 2, 3, 4 व्हीलर्स के लिए। 10,000 कर दीजिए सर। 10,000 सिग्नल जंपिंग 1,000 सर। 20,000 कर दो। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज करने पर 1,000 सर। 25,000 कर दो। 25,000 रैश ड्राइविंग और रूल्स ब्रेक करने पर 1,000 सर। 30,000 आप इन नए रूल्स की नई लिस्ट बनाकर मुझे दीजिए, हम वो इश्यू करेंगे। क्या कहते हैं उसे? जियो सर। या जियो इश्यू कर देंगे सर। एक बार फिर से सोचकर और लोगों से भी डिस्कस कर लेंगे सर। अब तक यही करते आए थे ना, कुछ बदला क्या? पर दोबारा विचार करना जरूरी है ना सर, ऐसे तो लोग डर जाएंगे सर। जितने दिनों से मैं यहाँ हूँ मुझे तो एक बार भी नहीं लगा डर। हम एक समाज में रहते हैं, हर किसी के मन में डर और जिम्मेदारी होना जरूरी है। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हैं सर? जाने दो ना प्लीज, गाड़ी साइड में लगा। चालान काट रहा हूँ 20,000 का, भर देना। 20,000? उतनी तो मेरी सैलरी है सर। रुको रुको, एक मिनट। हाँ, 25,000 का फाइन है। क्या 25,000? नीचे उतरो, रॉन्ग साइड से जा रहे हो। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है सर। ऑफिस पास में ही है सर। 30,000 फाइन भरो और ऑफिस जाओ। 30,000 फाइन? अगर आप इसी राज्य के नागरिक हैं तो गाड़ी चलाते वक्त सावधान हो जाएं, चालान कभी भी कट सकता है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना या सिग्नल जंप करना या वन वे में गाड़ी ले जाना, इससे न सिर्फ आपकी जेब खाली होगी बल्कि आपके पूरे महीने की सैलरी दांव पे लग जाएगी। हालात खराब होगा मियां तो वन वे से गाड़ी लेके जाएगा ना। किस बात का 20,000? ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? यस, बिल्कुल सही किया। जब तक ये नहीं होगा लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। बाइक पर बैठने से भी डर लग रहा है। इसके डैड ने इसे बाइक लेकर दी थी, ये वन वे से लेकर चला गया। इसके डैड ने इसकी बाइक बेची, 25,000 का फाइन भरना पड़ा और इसे कहा दफा हो जाओ। भाई इससे तो अच्छा आप सिटी बस या मेट्रो से जाओ, कोई चक्कर ही नहीं। सर, चीफ इंजीनियर आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं सर। हे भरत, आओ। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। सुनो, एक प्लेट लगाओ भरत के लिए। नहीं, रहने दो। तो कैसा रहा आज का दिन? आज पहला दिन था। जितने भी मेंबर्स अपॉइंट किए हैं सब सीनियर हैं। मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। फिलहाल नया काम है ना, ऐसा ही लगता है सब ठीक हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी तो। मेरा मतलब यंग ऑफिसर्स रहेंगे। मैं जो करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ भरत। कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी तुम्हें। अब दूसरी बात करते हैं, उन ट्रैफिक फाइन्स के बारे में पता चला। पहले मुझसे बात कर सकते थे तुम। मुझे वो ठीक लगा। गुड। सुनो सर, लोग क्या सोच रहे हैं सर, मुझे अपडेट करते रहना, समझे? ठीक है। और सुनो सर, होम मिनिस्टर से मुझसे मिलने के लिए कहो। ओके सर। भरत, कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छा है कि एक बार कैबिनेट और मुझसे डिस्कस कर लिया करो। हम्म।
ट्रैफिक फाइन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं भास्कर? ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। मेरे दोस्त ने 20,000 का फाइन भरा है, शायद उसने सिग्नल तोड़ा था। उसके पास पैसे कम थे तो मुझसे उधार ले लिए। उसे कहना अगली बार सिग्नल ना तोड़े। कितना उधार दोगे तुम? शुक्रवार है तो मेरी वाइफ ने सिल्क की साड़ी पहनी होगी। अगर वो भी ये दिन मानती है तो आई एम श्योर वो आज साड़ी ही पहनकर आएगी। जब से उसे टीवी में देखा है मेरी तो नींद ही उड़ गई है। उसके जैसा अगर कोई लाइफ में आ जाए मजा ही आ जाएगा यार। तुझे समझ नहीं आएगा यार। तू भी टू मच है वर्षा। इसमें टू मच क्या है? थैंक यू। उसके जैसे किसी को चाहने में आखिर बुराई क्या है? वो बैचलर नहीं है क्या? घर वाले तो शादी करेंगे ना उसकी। पता नहीं वो किसकी किस्मत में होगा। एक बात बताओ, शादी का मौका मिलेगा तो नहीं करोगी? करोगी या नहीं बोलो। मुझे लगता है कि मौका मिलेगा ही नहीं हमें। चलो बस अब तुम बताओ, चांस मिलेगा तो नहीं करोगी? अगर तुझे चांस मिले तो तू क्या करेगी? चांस मिलेगा तो करोगी, हाँ या ना? तुम खाओ, मैं देखती हूँ। हेलो, वासुमती है क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं भरत बोल रहा हूँ। भरत तो मुख्यमंत्री भी है, कौन सा भरत? अरे मैं तो सीएम भरत ही बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता? हाँ, होशियार मत बन वरना मैं तुझे ठीक कर दूंगी, समझा? मैं चीफ मिनिस्टर भरत ही बोल रहा हूँ। दिमाग खराब मत कर, मेरा फोन रख, समझा? चल रख। किसका था? कोई नहीं, सीएम भरत के नाम से प्रैंक कॉल थी। मुझे लगता है ये सीआई का बेटा सीनू ही है, हमारी वसु के पीछे 10 दिन से पड़ा है। हमारी बातें सुनकर उसी ने कॉल किया होगा। सही कहा। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो, मैं भरत बोल रहा हूँ। पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, वसुमती है क्या? ए सीनू, मुझे पता है तुम यही कहीं छुपकर कॉल कर रहे हो। अगर मैं बाहर आ गई ना। ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं सीएम भरत हूँ। जो भी फोन उठाता है गुस्सा करने लगता है।
आप फोन पे खुद को सीएम बताएंगे तो कौन मानेगा सर। वन लास्ट ट्राई। हेलो, कौन है? मैं सीएम भरत बात कर रहा हूँ। वसुमति है क्या? वासु ही बोल रही हूँ। हाय। देखो मिस्टर, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है, ओके? अगर तुम और परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे डैड पुलिस में है, कंप्लेन कर दूंगी। हेलो हेलो, मैं समझ गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सीएम भरत बोल रहा हूँ तो तुम नहीं मानोगी। वहाँ टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें स्टेट सेक्रेटेरिएट का नंबर होगा, उस पर कॉल करो। जब ऑपरेटर फोन उठाए तो अपना नाम बता देना। क्या हो गया? खुद को सीएम बोल रहा है, कह रहा है कि टेलीफोन डायरेक्टरी से चाहो तो चेक कर लो, कहता है कि क्रॉस चेक कर लो। ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, इसकी तो एक बार कॉल करके क्रॉस चेक कर लेना। हाँ, सेक्रेटेरिएट में। हाँ, यहाँ है। 040 233। सच में करूँ क्या? हाँ, कम ऑन। 4340। हेलो। हेलो मैम, मैं वासु बोल रही हूँ। हेलो मैडम, वन सेकेंड, सीएम सर को कनेक्ट कर रही हूँ। सीएम। हेलो वसुमति। हाय सर। सॉरी, डायरेक्ट कॉल करने से कंफ्यूजन हो गया था। वो रोज पार्लियामेंट जाते हुए तुम्हें बस स्टॉप पे खड़े देखता हूँ। यू लुक सो डिफरेंट, आई मीन इन अ नाइस वे। तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, मिलकर कुछ कहना चाहता हूँ। कॉफी पी सकते हैं? सर कल कॉलेज है, मुझे भी ऑफिस जाना है। कल सवेरे ही मिलते हैं, 7:30 बजे। ओके, मैं जगह डिसाइड करके तुम्हें फोन करता हूँ। ओके, क्या हुआ? कह रहा है कल सुबह मिलेंगे, साथ में कॉफी पियेंगे, थोड़ी देर में जगह बताएंगे। सीएम भारत के साथ कॉफी, चांस मिस नहीं करना चाहिए। हम सब चलते हैं। ठीक है। वासु बेटा। हेलो। हाय दादी। हेलो बेटा। चलो वासु जल्दी। बाय बाय। मॉर्निंग 7:00। ओके ओके, बाय बाय। क्या कहते हो, कौन सी जगह ठीक रहेगी? रूल्स को लेकर आप काफी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रियली ग्रेट, लेकिन रोड्स भी तो ठीक होने चाहिए ना? फाइन से जो पैसा आ रहा है उसे आप वहाँ यूज कर सकते हैं ना? That's a great idea. इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं सर। इडली बहुत अच्छी है भास्कर। समझ गया।
यहाँ की लाइफ और लंदन की लाइफ में कुछ चेंज नजर आता है आपको? बहुत ज्यादा। यहाँ की और वहाँ की दुनिया में बहुत फर्क है। वहाँ आप अकेले रहते हैं? यहाँ कभी कोई गर्लफ्रेंड थी? ट्रैफिक की तरह आपका नेक्स्ट प्लान क्या है सर? आई डोंट नो सर, टाइम हो गया है। असेंबली का टाइम हो गया, पता नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। थैंक्स फॉर कमिंग, फिर मिलेंगे। सर मैं फ्री हूँ, कब मिलना है बताइए। सर भी तो फ्री होने चाहिए मैडम, शेड्यूल चेक करके बता। okay, बिल पे कर दिया भास्कर? दे दिया सर। बाय बाय सर, चलता हूँ मैडम। तो बहुत लकी है यार। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने इस पूरे सदन की तरफ से हमारे नए मुख्यमंत्री श्री भरत गार्गी को मुबारकबाद देती हूँ। सदन के इस पहले सेशन में उनका स्वागत है। थैंक यू मैडम स्पीकर, माय डियर कलीग्स एंड ऑनरेबल मेंबर्स, थैंक यू। विपक्ष के नेता श्री श्रीपति राव, ऑनरेबल स्पीकर, मुझे नहीं पता कि यह गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर को याद भी है कि यह डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे तो लगता है यह सीट इन्हें विरासत में मिली है, इन्हें लगता है यह राजशाही है। सरकार का काम है जनता की सुरक्षा, सरकार का काम है जनता के दुखों को दूर करना, जबकि फाइन के नाम पर यहाँ खून चूसा जा रहा है। सिग्नल तोड़ा 10,000, गाड़ी थोड़ी तेज चलाई तो 20,000, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो 25,000, ये सब हो क्या रहा है? इस तरह तो आप जनता को मार ही डालेंगे। मैं न्यू कह रहा था कि इस तरह की बातें थारे और थारे पार्टी के मुंह से चौखी ना लगे। पब्लिक देख रही है कि ऑटो से लेके सब्जी मंडी तक कतई लूट मचा रखी तम लोगों ने। जनता को दिया ही क्या तम लोगों ने? तम लोगों ने बड़ा कटोरा थमा दिया छेद वाला। ये बात तो गांव का बंदा बता करता है। स्पीकर मैडम, इनका इशारा मेरी तरफ है। ये बकवास कर रहे हैं कि मैं ऑटो वालों और सब्जी वालों से हफ्ता लेता हूं। मिस्टर मलेश प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। अगर ये अपनी बात वापस ना ले तो हम चले जाएंगे। रोका किसने? खम्बो पीने का टाइम हो गया है इसलिए वॉकआउट कर रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए, साइलेंस चाहिए तुम्हें? क्या जरूरत है? प्लीज बैठ जाइए आप लोग, चूहे बिल्ली की कहानी सुनने नहीं आए हैं। हम जनता की तरफ से सिर्फ जवाब चाहते हैं। रहने दो बस, तुम सिर्फ अपनी साड़ी और ज्वेलरी दिखाने के लिए खड़ी हुई हो, हमने देख लिया। बैठ जाओ, हो गया। तुम्हें मेरी चूहे की चिंता क्यों है? प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए। मिस्टर श्रीपति राव अपनी बात पूरी कीजिए। अध्यक्षा, मेरे इलाके में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूँ। हर सुबह वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर ऑफिस जाता है। ऑफिस लेट पहुंचे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए देर ना हो जाए तो फिर वो शॉर्टकट लेके वन वे से ऑफिस पहुंचता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और 25,000 का फाइन लगा देती है। ऐसे में वो इंसान अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा? मैं चाहूंगा सरकार इसका जवाब दे। लीडर ऑफ द हाउस जवाब देंगे। थैंक यू मैडम स्पीकर, जो कुछ भी अपोजिशन लीडर ने कहा मैंने सब सुन लिया। मुबारक हो। बस एक मिनट प्लीज। ट्रैफिक रूल्स के लगाए जाने वाले जुर्माने को लेकर लोग कितने परेशान हैं डिटेल में बताया गया। इसका एक बहुत ही सिंपल सलूशन है मैडम स्पीकर, किसी को भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। अगर लोग सही तरीके से ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें, एक रुपए भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। खुशी खुशी अपनी पूरी सैलरी घर ले जाओ। तो बजाओ ताली। आपने अभी अभी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात की थी, उसने रॉन्ग वे में एंट्री की थी तो जुर्माना भरना पड़ा, एक महीने की सैलरी गई। तो क्या हुआ सर, खर्च कम करके भी घर चलाया जा सकता है, लेकिन अगर वन वे में जाते हुए किसी और गाड़ी ने टक्कर मार दी होती
तो फिर ये सवाल खड़ा होता कि उसका पूरा परिवार सारी जिंदगी क्या करता। लोगों ने हमें सदन में भेजा है ताकि हम कुछ अच्छा करें, ना कि उनकी गलतियों को सपोर्ट करते रहे और वो रूल्स तोड़े और हम उन्हें माफ करते रहे। जब अचानक मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं लंदन से यहाँ 2 हफ्तों के लिए आया था। आने के बाद मैं यहाँ वहां घूमा तो मैंने देखा कि यहाँ के लोगों में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। 1% की भी जिम्मेदारी नहीं है मैडम स्पीकर। इन लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, और वही मैं इन्हें दिलाना चाहता हूँ मैडम स्पीकर, वही मैं दिलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर एक बिल्कुल अलग सोसाइटी में पला बड़ा हूँ मैडम स्पीकर। वहां के लोगों में सरकार के प्रति डर और जिम्मेदारी दोनों है। They are responsible, they are accountable, and they have made their lives beautiful. और यहाँ हम सफाई तक नहीं रखते, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, किसी चीज में कोई क्वालिटी नहीं, बिना डर के लोग नकली चीजें बनाते जा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है मैडम स्पीकर। इस तरह का सिस्टम काम करता है उस देश में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, क्या यह सिस्टम इन हालातों के लिए जिम्मेदार नहीं है? मैडम स्पीकर, इन्होंने हमारी बेइज्जती की है। इन्हें क्या पता हमारे देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए इंडिया आए हुए, इनकी बात को रिकॉर्डिंग से निकाल देना चाहिए। ये फैक्ट है और इन्हें रिकॉर्ड्स में रखा जाए मैडम स्पीकर। इस समाज में रहने के लिए जरूरी है डर, जिम्मेदारी और जवाबदेही। मैं सिर्फ फाइंस पर नहीं रुकूंगा मैडम, और भी बहुत कुछ है जो करूंगा। किसी भी काम को करने के लिए गाइडलाइंस और नियम बनाए जाएंगे, और अब से हर किसी को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं उन आम लोगों पर ज्यादा कराऊं जो वोट्स देते हैं, तो फिर जो लोग सर्विस में हैं, वर्किंग क्लास, बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अगर कोई गलती करता है तो उन पर कितना बड़ा जुर्माना लगना चाहिए, ये मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं मैडम स्पीकर। अगर इस हाउस में सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो With your permission, I'll take a leave, Madam Speaker. लोगों की गलतियां सुधारने के लिए मैंने जरा सी सख्ती क्या दिखाई? आपने तो मुझे राजशाही से कंपेयर कर दिया, पर मेरे लिए तो माँ बाप गलती करने के बाद जो पनिशमेंट देते हैं ये वैसा है। मैं एक नया वक्त लेकर आऊंगा, मैं लोगों की भलाई के लिए किसी हद तक भी जाऊंगा। लगातार लोगों के काम आने की कोशिश मेरी जिंदगी का मकसद है। किसी को परेशानी हो तो मैं भरत आपको वचन देता हूं, मैं एक जिम्मेदार खिलाड़ी बनूंगा। मेरा काम होगा लोगों का काम, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। वार्निंग दे रहा हूं, चाहे गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हो या फिर आम जनता हो, हर एक को हर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सही होनी चाहिए सर। यूं ही तुम लोगों का ट्रांसफर नहीं किया है मैंने, आपका इंटरेस्ट, आपकी सेंसिबिलिटी और आपके काम करने का तरीका, उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की जा चुकी है। उम्मीद है आपकी हिम्मत और ऑफिसर्स को भी इंस्पायर करेगी। मैं भरत आपको ये वचन देता हूं, मेरा काम होगा लोगों का काम, लोगों के लिए,
लोगों के द्वारा। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। नेता के बेटे बिजनेसमैन मनोहर पर एक और इल्जाम लगा है। उनके पुराने गैर कानूनी कामों के बाद भी 800 एकड़ सरकारी जमीन उन्हें गैर कानूनी तौर से दी गई है। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने इसकी शिकायत भी की है। वो चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही भी हो। तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने का इल्जाम है, पर तुमने आज तक इस बात की सफाई दी ही नहीं है। आजकल राजनेताओं और अमीर लोगों को बदनाम करने का फैशन सा चल रहा है। पर लोगों में ये चर्चा है कि तुमने अपनी इनकम से ज्यादा दौलत। एक मिनट, ये इसलिए है क्योंकि ये मीडिया और अपोजिशन की फैलाई हुई बात है। एक बात बताऊं, अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो लोग तुम्हें नकारा समझेंगे। मेहनत करके अपना मकाम हासिल करोगे तो लोग स्वागत करेंगे। इसीलिए तो मैं लोगों की बातों पर आजकल ध्यान ही नहीं देता। ये हाई प्रोफाइल केस है तो पब्लिक अटेंशन मिलेगा ही, आपको तो ये सब पता ही होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। श्योर सर। यस सर। स्टेट गवर्नमेंट ने ओपोजिशन पार्टी के लीडर के बेटे का एक्यूजेशन केस ऑफ इनजस्टिस सीबीसीआईडी को सौंप दिया है। इस कदम के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य की राजनीति में थोड़ी हलचल देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी हर कोई नौजवान मुख्यमंत्री के यानी श्री भरत के फैसले से खुश है। वहीं राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भरत के इस धमाकेदार फैसले ने सबकी नींदें उड़ा दी है, खासतौर से कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के तो होश उड़ गए हैं। उनका ये फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। डिनर करने के बाद सो गया। अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसे हम डर गए और हॉस्पिटल ले आए। पता नहीं ये कब इस बात को समझ पाएगा कि इसके पापा अब नहीं रहे। कल शायद इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। सिद्धार्थ के साथ मैं रुकता हूँ, आप घर जाइए। तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हें और भी काम है। कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ। तुम मामू के साथ घर जाओ, कल मैं और सिद्धार्थ दोनों आ जाएंगे। हाय। माँ और बहन आराम करने गई हैं। मुझे भी बचपन में डैड के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। वो काम में बिजी रहते थे और मैं उन्हें मिस करता था, बहुत मिस किया। जब बड़ा हुआ तो बताएं लोग क्या कहते थे, योर फादर इज अ ग्रेट मैन, तुम लकी हो कि तुम उनके बेटे हो। मुझे बड़ी हैरानी होती थी। बहुत बात समझ में आया कि वो कितना बड़ा काम करते थे, अपने फ्रेंड्स के डैड से भी बहुत बड़ा काम, बहुत जिम्मेदारी का काम। यू नो व्हाट अ कंप्लीट मैन इज। चलो मैं तुम्हें बताता हूं। जो कभी कोई गलती नहीं करे, कभी किसी को हर्ट ना करे, अपना काम ईमानदारी से करे, अपनी और अपने परिवार के लोगों की जिंदगी खुशहाल बना सके। आवर डैड वॉज दैट, ही मेड अस प्राउड। तुम्हें और मुझे उनके जैसा बनना है। We should make him proud. और हम ये कर सकते हैं। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। अभी पता चला मुझे, अब कैसा है वो? अभी सोया है, डॉक्टर्स कह रहे थे कि कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। तुम क्यों यहां रुके हो, किसी और से कह देते? मेरा मन कर रहा था। तुम्हें बचपन से देखता आया हूं मैं, अब बहुत खुशी होती है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। गुड, वेल डन। ओके अंकल, चलो बाय। गुड नाइट। भरत,
शायद तुमने कुछ ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए जीओ इशू करने के लिए कहा। अभी के लिए उसे रोक देना, मैं बताऊंगा तुम्हें। मैंने काफी अच्छे से स्टडी करने के बाद यह तय किया है कि कौन सा पोस्ट किसके लिए अच्छा है अंकल। मैंने तो फाइल्स पर साइन भी कर दिया। कोई बात नहीं, कुछ ही पोस्ट्स हैं, थोड़े इश्यूज हैं इसलिए। सिर्फ चार हैं भरत, फाइनेंस सेक्रेटरी, एसपीबी हैं, कमिश्नर और वो सीबीसीआईडी। इनके बारे में फैसला पार्टी में डिस्कशन के बाद होना चाहिए। ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पार्टी से क्या मतलब इनका? एनीवेज जो जिस पोजीशन के लिए काबिल था सोच समझ कर रख लिया है, कल शाम तक वो चार्ज संभाल लेंगे। यानी कि तुम्हारे पापा के रहते हुए डिसीजंस मैं ही लेता था। रूलिंग पार्टी के अपने कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं भरत। मैं डिसीजन ले चुका हूं और मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूं। कम से कम वो सीआईडी वाला सबसे की तरह भावतोल मत कीजिए। आपके बार बार कहने से मुझे अजीब लगता है। मैं अपना काम जानता हूं अंकल। अभी मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुमसे शाम को आके मिलूंगा, तब तक आराम करो। ना जाओ। सिद्धार्थ जल्दी ही बात करने लगेगा। डॉक्टर ने कहा है? सिद्धार्थ ने कहा। Council of Ministers, Officers and Secretaries, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग मुझसे बड़े हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इस मीटिंग के शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ जानकारियाँ हासिल कर लेना चाहता हूँ। इसमें क्या होगा सर, हर कोई एक कदम चलकर ही यहाँ तक पहुँचा है। इस टर्म के खत्म होते ही हम आपको भी अपने जैसा एक्सपीरियंस बना देंगे। थैंक यू। जब मैंने डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना शुरू किया तो मेरे मन में कुछ सवाल आए। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट, विद्यासागर जी। सर, हर साल गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन्स कम होते जा रहे हैं। हर साल 50,000 स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। कई सौ स्कूल्स बंद होने की कगार पर है। बहुत से स्कूलों में स्टूडेंट्स की परसेंटेज सिंगल डिजिट पर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि इन स्कूलों को चलाने का कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, यही है कि इन सबको बंद कर दें? मतलब इससे गवर्नमेंट पर बोझ ही बढ़ रहा है ना? यही तो मेरा सवाल है। गांव में भी लोग अब प्राइवेट स्कूलों को पसंद कर रहे हैं सर। गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाने के बजाय वो पैसे देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन लेने की बजाय प्राइवेट स्कूलों में पैसा देकर सीखना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड तो आप जानते हैं ना सर, मिनिस्टर तो आप ही है ना? हाँ, वो तो स्टैंडर्ड अगर गिर रहा है तो आप क्या करें? अरे तू कुछ बोला। सभी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं सर, तो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं शुरू करता? हम ही लोग तो सरकार है ना, और लोगों की जरूरतें पूरी करना हमारा काम। यू नो व्हाट, अगर हम सबके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दें जिसमें मिनिमम फीस हो, मुझे यकीन है बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेंगे। लुक इनटू इट सर। इस एकेडमिक ईयर में हम हर डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे स्कूल शुरू करेंगे। हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। विल मल्टीप्लाई द स्कूल्स नेक्स्ट ईयर। विल लुक इनटू इट सर। देखने के लिए इसमें क्या है, बस काम करो आप जिसकी जरूरत है। नाउ कमिंग टू द प्राइवेट स्कूल्स, कुछ स्कूल्स में 5th स्टैंडर्ड की फीस है 1,00,000, 6th स्टैंडर्ड की 1.5 लाख, 7th स्टैंडर्ड की 2,00,000, 10th स्टैंडर्ड की 3,00,000। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? इनमें से एक स्कूल की बात करते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड। बीबी हाई स्कूल। ये सब अच्छा पढ़ रहा है सर, ये अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है। ये उसे तो अभी छोड़ेंगे नहीं। चला आ रहा है, उसे चले गए। क्या हुआ? ये लो, आपको नहीं पता, ये स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर का ही है, परब्रह्म। पीपी स्कूल्स। ये सारे हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स है सर, ये
यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें भी डिस्काउंट देते हैं सर। आपको पता है ना, हमारे देश में एजुकेशन नॉन प्रॉफिटेबल है। विद्या को व्यापार बना के पैसे नहीं कमाए जा सकते, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? दंडनीय अपराध सर। दंडनीय अपराध मतलब ये हुआ कि स्कूल कॉलेज बढ़ा के हम उससे पैसे नहीं कमा सकते ना। ये क्या किया पीबी साहब, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। इसका मतलब लाखों रुपए फीस कमाने के बाद भी आपके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। अरे ने ने ने, क्या सैक्रिफाइस किया है सर? क्यों सर, है ना ये बहुत बड़ा बलिदान। मैं इन सभी प्राइवेट स्कूल्स की इंक्वायरी चाहता हूँ और एक फी रेगुलेटिंग कमेटी बनाता हूँ, एंड आई विल पर्सनली मॉनिटर दिस। इस बात को मानते हुए कि एजुकेशन हर किसी का अधिकार है, पर लोगों ने इसे एक बिजनेस मॉडल बना दिया है, मैं शपथ लेता हूँ कोई नहीं बचेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भरत ने आज अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया। अलग अलग विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने एक प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने प्राइवेट स्कूल और कॉलेज जो मध्यम वर्ग पर भारी बोझ डाल रहे थे, उन पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। उन्होंने नई शुरुआत की बात की और सरकारी स्कूल पर ध्यान देने को कहा है। राज्य में जो भी स्कूल कॉलेज ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कूल और कॉलेज बंद करने को कह दिया गया है। सरकार ने उनके खिलाफ केस फाइल किया है, भेजे गए हैं। इन नियमों के अनुसार ये नए सीएम काफी सिंसियर भी लगते हैं ना दादा। ये लोग तो ऐसे ही दिखाते हैं बेटा, पॉलिटिशियंस का कोई भरोसा नहीं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहाँ ज्यादा लोग मिडिल और लोअर मिडिल और पुअर क्लास से संबंधित हैं, मैं समझता हूँ एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बहुत खतरनाक है देश के विकास के लिए। हम खाना खाएं या ना खाएं, पर एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल भेजते हैं। अब अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने लगेगी ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उनको इस फैसले पर अटल रहना है और इन सब पर अच्छी नजर रखनी है। वी आर विद यू ऑन दिस सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने रिसर्च टीम रेडी कर ली जैसा कि आपने कहा था और उन्हें एक रूम भी अलॉट कर दिया, तो उन्हें मिलने के लिए बुला लूं। नहीं, मैं आता हूं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। प्लीज सर, सुधीर, कैलाश, रोहन, बासुमती और स्वप्ना, ये लोग सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं सर, ये रिसर्च इनके लिए भी यूजफुल होगी सर। सर प्लीज सिट डाउन। हमारे जो की इश्यूज हैं उस पर मुझे डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, उनकी पॉलिसीज, मेथड्स, इन सब का डेटा चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है ना? हाँ सर। या इन्हें ओल्ड रिकॉर्ड्स भी देना। श्योर सर। इनके पास आईपैड्स है, मैं अरेंज करता हूँ सर। मैं इस साल 4500 मेगावाट पावर स्टेशन के बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ डैड। सर, CBCID से कुछ लोग आपसे मिलने आए। हेलो सर, अरविंद आचार्य, एडिशनल डीजी, CID। आप पर आय से अधिक संपत्ति का केस फाइल हुआ है, मैं इस केस को साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। जरूरत पड़ने पर आपको CBCID ऑफिस आना पड़ेगा, और बेहतर होगा आप इसके बीच में ना आए, यही बताने आया था। द
इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरी परमिशन के बिना तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते। एक दो दिन में कोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। See you soon. अपोजिशन लीडर के बेटे मनोहर के ऊपर काफी सारे चार्जेस लगे हुए हैं। सरकार ने ये केस सीबीसीआईडी को सौंप दी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले मीनाक्षी जी, ये हर तरीके से सरकार का बहुत ही ज्यादा कायराना और शर्मनाक फैसला है। बदले की राजनीति है, क्योंकि हम सरकार के हर काम पर सवाल उठाते हैं ना। कितनी शर्म की बात है, विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए सरकार ने ये केस ओपन किया है। प्रजातंत्र में बदले की राजनीति करना, उकसाने की राजनीति करना ठीक नहीं है। इस केस को ओपन करने में सरकार की मंशा चाहे जो भी रही हो, पर साफ दिख रहा है कि वो विपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहती है। हेलो सर, कहां तक पहुंचे सर? वही ऑपोजिशन पार्टी के बेटे वाला केस इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा? प्रोग्रेस काफी अच्छी है सर, कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस हाथ लगे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगली सुनवाई तक जजमेंट भी आ जाए। नाम क्या है तुम्हारा? अरविंद। अरविंद आचार्य। हमारी एक रूलिंग पार्टी है, अगर ये सब कुछ अपोजिशन पार्टी की फैमिली के साथ होगा तो लगेगा कि हमने उनके साथ षड्यंत्र किया है। बेगार में हमारी पार्टी की बदनामी होगी, जो हम नहीं चाहते। सर, सरकार की तरफ से हम पर कोई दबाव नहीं है, हम ये केस बिना किसी भेदभाव के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, लोग नहीं जानते। केस बंद कर दो। हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं सर, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। तीन महीने में सबका दिमाग खराब हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छा बुरा तो सोचना चाहिए ना। तुम लोग जो भी करते हो उसका जवाब मुझे देना पड़ता है। तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी भी है, तुम बच्चे स्कूल भी जाते हैं। जिस पोजीशन पर तुम आज हो, थोड़ा डरना भी चाहिए। जमीन भरी रहो, केस बंद कर दो। ऑपोजिशन लीडर के बेटे मनोहर के केस में क्या फैसला आएगा? हम बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। अभी अभी खबर आई है कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन कर रही सीबीसीआईडी अदालत के सामने सजा दिलाने के पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई। अदालत से बाहर आते हुए ऑपोजिशन पार्टी मिनिस्टर के बेटे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये इंसाफ की जीत है। इंसाफ की जीत हुई, प्रजातंत्र भी जीता है। पहले कोर्ट में न जाने कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, क्यों इस केस में टाइम बर्बाद करना? उन्हें पता था वो हार जाएंगे। केस को फाइल करना सरकार की बेवकूफी है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये काम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पता नहीं कौन सी बात कर रहा था। सारी बातें कहाँ गई? ये भी पहले वाले मुख्यमंत्री जैसा निकला। अदालत में सबूत पेश नहीं किए। ये तमाशा कब खत्म होगा? इस देश में कभी किसी राजनेता को सजा होते हुए मैंने तो नहीं देखा। एक पार्टी सत्ता में आती है तो दूसरे को बचाती है, और दूसरे वाली पहले वाली को। एक्टर भी आते एक्टिंग नहीं कर सकते, लगे रहो। सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी आए, राजनेताओं को कभी कोई कुछ नहीं कहता। सब मिले हुए हैं, आम लोग और राजनीति के जानकार इस बात को लेकर बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। हेलो, शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, कुछ खास मेहमान भी आ रहे हैं। उनके आने से पहले तुम्हें यहाँ होना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सारे काम छोड़कर आ जाना। मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए बुलाया।
बात यह है कि जब से तुम सीएम बने हो इन लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए इन सब लोगों को यहाँ बुला लिया। ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, इससे सारी परेशानी भूल कर फ्री हो जाओ, जो कहना है खुलकर कहो। क्या लोगे? कॉफी। जो नाम हमने इतने सालों में कमाया तुमने कुछ ही दिनों में कमा लिया, किस्मत वाले हो। राजनीति में देखा जाए तो ये कोई आसान काम नहीं है। तुमने आम लोगों को, ऑफिसर्स को परेशान किया, बिजनेसमैन को परेशान किया, कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान किया, वो सब चल जाएगा, लेकिन राजनेताओं के साथ ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सत्ता में है तो तुम्हें बचाएंगे, तुम पावर में हो तो हमें बचाओगे, ये हमारा एक एग्रीमेंट है। शरीफ लोगों के अग्रीमेंट के बारे में सुना था मैंने, लेकिन ऐसी घटिया अग्रीमेंट के बारे में कभी नहीं सुना। और हम चाहे कुछ भी बोल दें, तुम हमारी बुराई करो या फिर हम तुम्हारी बुराई करें, एक दूसरे पर चिल्लाओ, गालियां दो, लेकिन यहाँ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी असेंबली है, यहाँ पर हम सब एक जैसे हैं। सारी जनता एक तरफ है और हम लोग दूसरी तरफ हैं। अच्छे कामों के वक्त हम लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, और बेईमानी के कामों में तुम कह रहे हो कि हम सब एक हैं, यानी कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे। बेटा मिल बैठकर बात सुलझा लेंगे, कोई रास्ता तो निकल जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना है ना, वोटर्स और फैमिली की देखभाल भी तो करनी है ना, और कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी बताएंगे, इन्हें बजट में कैसे दिखाएंगे? अगर दिखा दिया तो ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। एक एमएलए की सैलरी 2 लाख से ज्यादा है, सारे बिल फ्री, खर्च फ्री, फोन फ्री, घर फ्री, जीने के लिए और क्या चाहिए तुम्हें? मार दिया। सैलरी पे जिंदगी बिताऊं? एमएलए एमपी क्या सैलरी पे जिंदा रहेंगे? यदि देखने से पहले मैं रिजाइन ना कर दूं। लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, पर हमारे लिए कौन सोचेगा? हमारे पास तो कोई परमानेंट जॉब भी तो नहीं है। पावर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उसी में से कुछ बचाकर अपने आने वाले दिनों के लिए रख लेते हैं। मैं पिछले 50 सालों से किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पर अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाया। पर मैंने हार नहीं मानी, फिर से लग गया। अगर हर चीज रातों रात हो जाया करती तो प्रॉब्लम ही क्या थी। जब से आया हूँ सब परेशान है कि हमारा क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा, पर किसी से ये नहीं सुना कि जनता का क्या होगा। आप 70 से ज्यादा होंगे सर? मैं 78 साल का हूँ। फिर तो आप थोड़ी ज्यादा गर्मी से भी मर सकते हैं, सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने से। किस फ्यूचर की बात करें? आने वाली जनरेशन और किसानों के बारे में सोचिए सर। हम बेवकूफ है कि इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, हमारे ना चाहने और मना करने के बावजूद आपने इसको सीएम बना दिया, और भैया जी आपका साथ देने के बदले में हमको ये मिल रहा है। मेरा नाम भरत है, मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर स्टेट के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं लोगों को न्याय दिलाऊंगा, मेरी हर चीज, मेरा हर काम सिर्फ लोगों के लिए होगा, और ये शपथ मैं पूरी करके रहूंगा। वादा तो हम भी पिछले काफी सालों से कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात हम भी किए हैं। बड़ी बातें तुम्हारे लिए होंगी, पर मेरे लिए ये मेरा वादा है जो मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। पर मेरे केस में तेरे वादे का क्या हुआ है? गैर कानूनी तरीके से मैंने हजारों करोड़ों कमाए हैं। जो भी मेरे रास्ते में आया मैंने उसे नहीं छोड़ा, काट के फेंक दिया। तूने केस सीबीसीआईडी को सौंप दिया? नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखो ना, मैं यहाँ पर ऐश कर रहा हूँ। किसने कहा खत्म हो गया? जिसने भी कहा यकीन मत करना। भारत, राजनीति में कभी कभी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, ये कहने की बजाय कि ये इस केस से बच गए, हमें ये कहना चाहिए कि तुम बच गए। आजकल तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे लोगों की उम्मीदें तुम्हारे साथ बहुत बढ़ गई हैं। एक स्टेज पर पहुंचने के बाद तुम भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, फिर कहां जाओगे तुम? इस केस में अगर तुम हार जाते हो तो होगा कुछ नहीं, लेकिन लोगों की उम्मीदें कम हो जाएंगी। वो बस ये सोचेंगे कि ये लोग राजनेता हैं, कुछ दिन नाराज रहेंगे फिर भूल जाएंगे और फिर से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। सबको साथ लेकर चलो और सत्ता का सुख भोगो। ऐसे घटिया लोगों को बचाकर आपको लग रहा है कि आप कुछ महान कर रहे हो?
टेबल भी नहीं देख पाए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो नशे में गिर गए थे। जाओ तुम जाओ। मर्द उसे कहते हैं जो अपनी ज़बान का पक्का हो, अपने वादे का पक्का हो। ये मेरी माँ कहा करती थी। मुझे यकीन है आप सभी की माँएं भी यही कहती होंगी। सोला आने सच। पर तुम में से किसी ने भी अपने माँ की बात सुनी नहीं। तो मैं तुम्हें ऐसा इंसान बनाऊंगा जो अपनी ज़बान का पक्का हो। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। सर, यूरोप के बजट से जुड़ी सारी डिटेल इस फाइल में है। अपोजिशन लीडर के बेटे वाले केस को लेकर पिछले एक हफ्ते से न्यूज चैनल जिस तरह आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, वी ऑल रियली फेल्ट बैड सर। गलती मेरी है। यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है ये जानकर मुझे काम करना चाहिए था। इट्स ओके, आगे संभल कर काम करेंगे। सर, पिछले तीन दिनों से कुछ स्टूडेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं, शायद अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। सिक्योरिटी ने उन्हें मना भी किया पर वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं सर। नमस्कार सर, हम लोग बहुत दूर एक गांव से आए हैं सर। पूरी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है सर, पर हमारे गांव की हालत वैसे की वैसी है। आपकी पार्टी का एक नेता है दामू, उनका भाई हमारा एमएलए था। कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई थी और इसलिए भाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो गया, और इस बार भी टिकट जो है वो उन्हीं के बेटे को दिया गया है सर। हमने सोचा एक बुरा इंसान चला गया, पर अब उसी फैमिली का दूसरा इंसान आ रहा है सर। अपनी परेशानियां बताने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है और वो रास्ता भी खराब हो गया सर। और अगर हम पहुंच भी जाएं और अपनी परेशानी बताएं तो भी कोई फायदा नहीं है सर, वहां कोई नहीं सुनता। और अगर कोई उन पे गुस्सा कर देना सर, तो ये बात तो तय है कि वो इंसान रात को घर वापस नहीं लौटता सर। इन सब की फैमिली के साथ ऐसा हो चुका है सर। वो लोग भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और जवाब मांगने चले गए। 4 साल हो चुके हैं सर और उनमें से कोई भी अपने परिवार में वापस नहीं लौटा है सर। उनके घर वाले अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं सर। गांव में जो सरकारी लोग हैं वो हमें किसी भी पॉलिसी का फायदा नहीं लेने देते सर, चाहे पैसा हो या अनाज। हमारी जिंदगी जैसे एक अभिशाप बन गई है सर। हम वहाँ उस इलाके में मर मर कर जी रहे हैं सर, बस आपको देखकर एक छोटी सी उम्मीद मिली है सर। हम इतनी दूर चलकर आपके पास अपनी परेशानी बताने आए हैं सर। पार्टी के बारे में, इलेक्शन टिकट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तो तुम क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? मैं कैसे इलेक्शन लड़ सकता हूँ सर? तुम अपने गांव के बारे में जानकारी रखते हो, अपने लोगों को जानते हो, उनकी परेशानियां समझते हो, तो तुमसे अच्छा कौन होगा? तुमने कहा कि परेशानियों की आदत पड़ गई, तो थोड़ी सी और परेशानी उठाओ और अपनी जिंदगी सुधारो। अपने गाँव वापस जाओ और उन सभी लोगों को इकट्ठा करो जो अच्छी जिंदगी चाहते हैं। सब डरते हैं सर। तुम्हारे और डर के बीच मैं खड़ा हूँ। वो उनका इलाका है सर। मैं इस प्रदेश के हर गांव, हर शहर, हर इलाके का सीएम हूँ। जिले में होने वाले बाई इलेक्शन में एक बात तो सभी को पता है, रूलिंग पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता दामू के बेटे जगदीश चुनाव लड़ेंगे। सभी ये सोचते हैं कि उनका जीतना पूरी तरह से तय है, पर अचानक से रमन्ना नाम के एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री भरत रूलिंग पार्टी की बजाय उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, और खास तौर से रूलिंग पार्टी हमको ही वोट देना। पार्टी ने हमरे बेटे को टिकट दिया है। अपोजिशन पार्टी को हमरे खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिला तो हमने सोचा हमारी जीत पक्की है। भैया जी, जब पार्टी का सीएम ही इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहा है तो हमारा जो कैंडिडेट है वो कैसे जीतेगा?
ये किस तरह की राजनीति हो रही है भैया जी? हमारा सीएम ही पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ है, ये किस तरह की राजनीति कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। किसी का हिम्मत नहीं था कि हमारे सामने खड़ा होकर बात भी कर ले, अब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग। एक मिनट, लगभग 20 साल पहले की बात है, तुम्हारे पापा ने ZPTC का इलेक्शन लड़ा था, दूसरी तरफ गुरु भाई थे पार्टी के लीडर। पता है जब उसने तुम्हारे पापा को उसके रास्ते से हट जाने की धमकी दी, तो मैं उसके इलाके में गया और 15 ट्रक जलाकर राख कर दिए और कहा कि कभी मेरे रास्ते में मत आना। उसे चेतावनी दी और वो समझ गया। उस समय राव साहब जो कि एक गांव के मुखिया थे, उसने गांव वालों को धमकी दी और तब तुम्हारे पापा ने राव साहब के 25 आदमियों को गायब कर दिया था। लेकिन अब तेरा बाप एक कमजोर और अनजान आदमी से डर गया और बचने के लिए मेरे पास चला आया। क्यों, बूढ़ा हो गया है, खून ठंडा पड़ गया है? वोट डालने जरूर आना, ठीक है? ए, हमारे भाई के खिलाफ खड़ा होगा तू? चाचा, पूरी दुनिया आगे निकल चुकी है और हम वहीं के वहीं पड़े हैं। सिर्फ दो वक्त की रोटी मिल जाए उसी में खुश हो जाते हैं। छी, ऐसा जीना भी कोई जीना है क्या चाचा? जो जी मैं करूँ, कल से तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। तुम्हें यही बताने आए थे। हमारी बात मानो रामण्णा, तुम पढ़े लिखे हो, यहाँ रहकर इनके साथ लड़ने से अच्छा है तुम शहर जाकर काम करो और खुश रहो। यहाँ मेरा घर है, माँ है, चार एकड़ जमीन है, ये सब छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? माँ को छोड़कर कहाँ काम करने जाऊँ? तुम बिन बाप के बच्चे हो, हमारा काम था तुम्हें समझाना, और क्या। अब तुम खुद सो
मुख्तार एक एहसान चाहता हूँ। ऑर्डर सर। वो जो लड़के मिलने आए थे उनके इलाके में स्ट्रॉन्ग टास्क पुलिस फोर्स के 10 जवानों को तैनात करना। भेस बदल कर उन्हें वहाँ की आम जनता के बीच रहना है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रामाना की हिफाजत करनी है। इस बात की किसी को खबर ना हो। रात और दिन साई की तरह उसके साथ रहना और अगर कोई हमला करता है तो उसे वहीं पर खत्म कर देना मुख्तार। उसकी हेल्प कर रहा है, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है कि वो हमसे बच पाए। जो भी होंगे ढूंढ कर खत्म कर देंगे। तुम बस डीएसपी को फोन लगाओ। तो उधर है ना।
बताकर अभी तक आया काहे नहीं? हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए इलेक्शन में खड़ा हो गए। हमको देख के तुम्हारी आंखों में अब तक डर दिखाई देना चाहिए था। तुम दुर्गा महल में दामू के सामने खड़े हो, इतना हिम्मत कहां से आ गया रे? कैंडिडेट को अपनी जबान दी है, उसके और डर के बीच में मैं खड़ा हूं, और अगर मैं किसी को जबान देता हूं तो उसे हर हाल में पूरा करता हूं। तेरे इस इलाके में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे सामने जो भी खड़ा हुआ तुमने उसे मार दिया, लेकिन इस इलेक्शन में यह तुम्हारे बेटे के खिलाफ खड़ा होगा और जीतेगा भी। अगर तुमने दोबारा इसे उठाने की कोशिश की, या किसी ने इस पर हमला किया, या इसे जरा सी एक खरोच भी आई, तो मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस इलाके में ऐसी फिल्म चलाऊंगा जो तुमने कभी देखी नहीं होगी, और वो भी 3D में। अचानक आना पड़ा बिना किसी को इन्फॉर्म किए, काफी काम पड़ा है, इसलिए अब मैं चलता हूं। मनाओ कि तुम सीएम हो, वरना जिंदा बच के नहीं जाते। कुछ कहा? सीएम है तभी तेरे आगे पीछे ये लड़का सब घूमता है, समझा? हमारे इलाके में आने के बाद भी तुमको लोग यहाँ कुछ नहीं किए। इससे पहले कि हमारा दिमाग फिर जाए, चुपचाप अपने लोगन संगे निकल जाओ। एक और एहसान करोगे मुख्तार? सर, मैं दामू और उसके आदमियों की खातिरदारी करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। ये क्या कह रहे हैं सर? इनसे लड़ने की क्या जरूरत है? यहाँ से चलिए सर। तुम्हारा आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बुझे? ऑफिसर्स, सिर्फ 10 मिनट। अगर मैं खुद की हिफाजत नहीं कर पाया तो स्टेट की क्या खाक करूंगा? मुख्तार, इस जगह से जाऊंगा तो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने इन्हें सबक सिखा दिया है। सर, अगर आपको कोई छूने की कोशिश भी करेगा तो हम 2 सेकंड में इन सबको मार डालेंगे। सर, मुझे छूने से पहले ये सब जमीन पर होंगे, देख लेना। जिसके अंदर हिम्मत होती है वो पूछता नहीं है। अगर बल है तुम्हारे अंदर तो आ जाओ मैदान में। आपके लिए हम अपनी जॉब और ड्यूटी को दांव पर लगा रहे हैं, और हाँ कह रहे हैं साहब, अगर आपको कुछ भी हुआ तो 1 सेकंड के अंदर हम फायरिंग शुरू कर देंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुख्तार, प्रॉमिस। 10 मिनट के लिए भूल जा कि मैं सीएम हूँ, तेरे सामने आम आदमी खड़ा है। तमाशा का हद होता है, एक बार फिर से सोच लो बबुआ। अब डायलॉग बाजी बंद करके एक्शन शुरू करता हूँ।
उससे लड़ने के लिए अब ये पूरी तरह से तैयार नहीं है ऑफिसर्स। सब देखने के बाद भी लड़ेगा तू है? सर, आप सर को ले जाइए, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, इलेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत से नेता ऐसे ही लोगों को डरा कर अपने डर का साम्राज्य बना लेते हैं। हर गांव में जाकर इस बात को समझाना मुमकिन नहीं, लेकिन तुम जैसों को समझाना पड़ता है दामू। राजनीति करनी हो तो लोगों से बात करो, उनकी बात सुनो। जैसा आप कहें। ऐसे नहीं दामू, आज हम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि हम लोगों से मिलकर उनकी समस्या को सुलझाऊंगा। That's all for now, मुख्तार। से इन्फॉर्मेशन मिली है, मौसम खराब होने की वजह से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा सर। आपका अचानक आना हुआ इसलिए आपके रुकने का इंतजाम स्कूल में ही हो पाया, हमने पूरी कोशिश की सर। तुमने नहीं की, पुलिस और नेताओं के बीच जो साठगांठ है उसका क्या किया तुमने? एक्सक्यूज मी सर, दरअसल गाँव और आसपास के लोग आपसे एक बार मिलना चाहते हैं सर। इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ूंगा, तुम सब कल मुझे ऑफिस में आके मिलो। आप इतने दूर से हमारे लिए चलकर आए और अपनी जान दांव पर लगा दी, जरूर आपसे हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है सर। आज रात इस गांव में मेला लगेगा, पुराने समय में ऐसा कहते थे यहाँ एक राक्षस आया करता था और लोगों को मार डालता था, लोगों का दुख देखकर देवी खुद प्रकट हुई और राक्षस को मार डाला। ये राक्षस और देवी की कथा बहुत पुरानी है, पता नहीं ये कहानी सच है या झूठे, पर जिसने उस राक्षस को मार डाला वो देवता कोई और नहीं है, आप ही हैं सर। इस गांव का असली मेला तो आज लगा है, अगर हो सके तो आप मेले में जरूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम कुछ ला नहीं पाए, ये कुछ कपड़े हैं जो हमने हाथ से बनाए हैं, अच्छे लगे तो पहन लीजिए। जिले में हुए बाई इलेक्शन के फैसले का पूरे राज्य के लोगों को बेसब्री से इंतजार है और इलेक्शन जीता है इंडिपेंडेंट रमन्ना ने, जिन्होंने रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार को 35,000 के बड़े अंतर से हरा दिया है। पूरे राज्य में खलबली सी पैदा हो गई है, एक गरीब परिवार से आने और कोई राज्य। मैंने अपनी सर्विस में कई सारे सीएम देखे हैं और हमेशा यही सोचता था कि कोई भी आ जाए लेकिन कभी कुछ भी नहीं बदलेगा। पर ये कुछ अलग है, ये तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में इतना सोचता है। ये एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, एक नायक है। हमने उसे सीएम बनाकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, वो अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, आगे वो क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री भरत, क्या उन्होंने अपना रुख गांव की तरफ कर लिया है? हाँ, कोई नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जी कब और कहाँ पहुँच जाएंगे, एमएलए और मिनिस्टर में बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा है।
हर चीज में तरक्की कर रही है, खेती करने में भी। लेकिन यहाँ के लोग ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ना ही नई तकनीकों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे ही मानसिकता से जीते रहे तो इस तरक्की करती हुई दुनिया में हम अपना अस्तित्व खो देंगे। मैं यहाँ के पंचायत ऑफिस में एक व्यावसायिक विभाग खोलूंगा ताकि आप जैसों तक आज तक की सारी नई तकनीकें पहुंच पाए। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो संध्या के समय अस्पताल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सरकार। संध्या का मतलब? संध्या मतलब इवनिंग, शाम का समय। ना तो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और ना ही दवाइयाँ। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यहाँ से कितनी दूर है? सर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है सर। वहाँ के डॉक्टर को फोन करो सर। हेलो सर, चीफ मिनिस्टर गांव में आए हुए हैं, जल्दी से सभा में पहुंच जाओ। ऑफिसर्स का कोई डर नहीं। से तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? सर यह सभी डॉक्टर से ऐसे ही पेश आते हो। हमारे निकलने के बाद इसे सस्पेंड कर देना। ओके सर। सर नमस्ते सर, डॉक्टर चिदंबरम सर। बीएचसी के डॉक्टर को अपने सीमा में रहना चाहिए। आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? एक्चुअली वहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। और इन लोगों का क्या? वहाँ शायद तुम्हारी कमाई अच्छी चल रही है तो यहाँ कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। You're dismissed. हॉस्पिटल के लिए नया डॉक्टर चुना जाएगा और आपको संध्या के समय भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने लोगों से वादा किया है कि अपनी आखिरी सांस तक गरीबों और दबे कुचले लोगों की सेवा करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा। रात दिन जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मैं हूं ना आपके साथ। शुक्रिया साहब। अगर किसी को अपने पैरों पर खड़ा ना कर सके तो किस काम की ये सत्ता। मेरा नाम भरत है और मैं वादा करता हूं अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं एक जिम्मेदार नेता बनूंगा, कुछ भी करूंगा तो लोगों के लिए, सोचूंगा तो सिर्फ लोगों के लिए। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये पिछले कई दिनों से स्टेट के बहुत सारे गांव में जाकर मैं देख चुका हूँ। मुझे उनकी समस्याएं और परेशानियों के बारे में पता चला और कुल मिलाकर एक बात तो समझ में आई कि हर गांव की अपनी जरूरतें हैं। कहीं पर स्कूल की जरूरत है, कहीं पर लाइब्रेरी की, और कहीं पर सड़कें चाहिए। और एक गांव ने तो मैडम स्पीकर अंतिम संस्कार के लिए जमीन मांगी जहां मरने के बाद वो अपने लोगों को दफन कर सके। एक गांव में पानी की समस्या, दूसरे गांव में मच्छर की समस्या, और तीसरे गांव ने तो तालाब को दोबारा शुरू करने की मांग की। इन सारी समस्याओं को यहां पर बैठे बैठे हम सुलझा नहीं सकते मैडम स्पीकर। हम यहाँ बैठे बैठे 23,000 गांव में मौजूद 23,000 समस्याओं को नहीं एड्रेस कर सकते। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट के साथ मैंने डिस्कस करके एक सिंपल सोल्यूशन निकाला है। लोकल गवर्नेंस, स्वयं परिपालन। स्टेट का बजट 2,50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर हम हर साल 23,000 गांव को 5 करोड़ के हिसाब से दे दें तो वो लोग अपनी अपनी समस्याएं खुद हल कर देंगे, किसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हर गांव अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए उसका हल निकाले तो बिना वक्त गवाए उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब, चक्कर क्या उनका पैसा उनको वापस दे दें?
तो हमारी नेतागिरी कहाँ जाएगी? हम क्या घास चलेंगे? इलेक्शन के टाइम पे भी पैसा बांटो और अभी भी पैसा बांटो, ये चक्कर कुछ समझ ना आया? ओ कैमरा भाई, जरा इसका शटर बंद कर दे, अंदर के जज्बात खुल के बाहर नहीं आ पा रहे। देखो साहब, हमें इस सदन में सिर्फ उनकी समस्याओं पे बात करनी है, मत बोलो वो है जनता और हम लोग हैं नेता, तो होश की गुट्टी पियो। उनके और हमारे बीच में दूरी आ गई है सर, उनकी बात तो हम सुन भी नहीं पा रहे हैं, समझना तो छोड़िए। सर ये ठीक नहीं है सर, अगर 5 करोड़ हर गांव को दे देंगे तो बाकी राज्यों का क्या होगा? अगर हम हर गांव को 5 करोड़ देंगे तो 23,000 गांव के लिए 1,15,000 करोड़ खर्चा होगा, सारे गांव उसमें शामिल होंगे, बजट का आधा पैसा बचेगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा। अच्छा, तो क्या तुम राज्य का संविधान और कानून बदल डालोगे? आज तक किसी ने ऐसी हिमाकत नहीं की, हम क्या बेवकूफ हैं? अगर हम सब सही होते तो इस तरकीब की जरूरत नहीं पड़ती सर, पिछले 70 सालों में ना तो गांव बदले हैं, ना गांव वालों की जिंदगी। उन भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के सिर्फ वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है। हेलो जी, ऐसा नेता तो कभी नहीं देखा जो लोगों का पैसा उन्हें वापस दे रहा है और अपने काम से सीधा भाग रहा है। कमाल के लीडर हो सर जी। किसी महान इंसान ने बहुत खूब कहा था मैडम स्पीकर, एक नेता का लक्ष्य होता है समाज को तरक्की पे ले जाना। And I strongly believe that. And I'll try to make it happen. अध्यक्षा, ये बात पूरी तरह से एक पागलपन है। मैं सरकार के ऐसे प्रस्ताव का खंडन करता हूँ और इसी वक्त सदन से वॉकआउट करता हूँ। चलो। आ जाओ। हाँ हाँ चलो यार। चलो यार क्या चलो। कोई फायदा नहीं। बर्बाद करके रखने का। अगले हफ्ते मैं इस बजट की योजना को रखूंगा और आप सबकी सहमति के साथ मैं इस योजना को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर लागू करूंगा। मैडम, आंध्र प्रदेश की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारी फैसला लिया है, उन्होंने ऐलान किया है कि हर गांव को हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस साल हमें मिलने वाले 5 करोड़ हमें खुद खर्च करने हैं, जो हमारे गांव के लिए मिलने वाले हैं हमें अपनी समस्याओं पर बात करनी होगी। परसों हम सब लोग मिलेंगे, मंदिर के पास जो पेड़ है वहाँ हम इकट्ठा होंगे और किस समस्या को कैसे हल करना है उस पर हम विचार करेंगे। भाई मैंने तो यहाँ आने से पहले ही कहा था कि अब से उन्होंने गांव में स्वयं परिपालन योजना लागू कर दी, अब कोई समस्या भी हुई ना तो वहाँ मेरे जैसे नेता की कोई जरूरत नहीं, वैसे अब सीधे उनके हाथ में जाएंगे, मतलब मैं हो गया बेकार। तो मैंने मेरी लुगाई से कहा कि आज के बाद घर के काम में मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगा, घर के झाड़ू पोछे में क्या बुराई है। कुछ समय पहले हमने 10 राशन कार्ड बनवाए थे जिसके लिए लोगों को लगा कि हम बहुत महान नेता हैं। एक सड़क जो हमारे इलाके से शहर जाती है वो बहुत ज्यादा खराब थी, हमने जगह जगह गड्ढे भरवा दिए, लोगों को लगता है कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेंगे ना। लेकिन अब तो सरकार सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब बनवाने जा रही है, अब हमारी जनता हमको जानते हैं क्या समझेगी? सड़क का आवारा कुत्ता। तुम्हारे कुत्ते जैसा समझे जाने पर दर्द क्यों हो रहा है? पहले ही सलाह दी थी कि हम में से किसी को सीट दे दो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो आज ये नौबत रहा थी। अब तेरी तो कुत्ते की पूंछ थी ना, अब यहाँ सीधी रहा उसके। अब पकड़ा हवा में तीतर बटेर। वो लोगों के लिए भगवान बन चुका है, उसे भटकाना इतना आसान नहीं होगा। भाई जी आपकी बात सुन के मुझे डर लग रहा है कहीं नंगा ना नाचना पड़ जाए। डरना किस बात से, वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, छोटी सी गलती। फ्रेश चीज बना के लाई हूँ, खाओगे? ताजे दूध से बना के लाई हूँ, बहुत टेस्टी है। इसे मैं बाद में खा लूंगा। ओके बैठो। तो फिर मैं चलूं? थोड़ी देर रुक जाओ ना। ओके।
गया है, अब मैं जाऊं? रुक जाओ ना, हमेशा के लिए। सर, इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि सीएम आजकल किसी लड़के के साथ घूम रहे हैं। शायद वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। आई थिंक दे आर सीइंग ईच अदर। लड़की के फादर हेड कांस्टेबल है चंदन नगर पुलिस स्टेशन पर, और लड़की एमबीए ग्रेजुएट है और सीएम ऑफिस में एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम कर रही है। और जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको अपडेट कर देंगे सर। राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले और एक नया अध्याय शुरू करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री श्री भरत की कल तक यही तस्वीर हमारे सामने थी। पर कहते हैं ना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। सचिवालय में उसको नौकरी पर रखने के साथ ही उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग भी किया। उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैल रही है। आप साइन कर दीजिए, मैंने देख लिया है। हेड कांस्टेबल की बेटी है। लोग इस बात से हैरान है कि राज्य के मुख्यमंत्री का एक कॉलेज जाने वाली लड़की वासु के साथ अवैध संबंध है। उस लड़की को उन्होंने राज्य सचिवालय में नौकरी भी दी और उसे अपने साथ भी रखा। पूरे राज्य में खबर है कि उन्होंने अपने पद और शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। अब देखना यह है कि वो इसका जवाब कैसे देती है। पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, हाँ पर तुम एक लड़की भी हो। सोचा नहीं कि इन ऊंची हैसियत के लोगों के चक्कर में फंसकर हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी। वैसे बेटा हमें खुश होना चाहिए कि अब हमें एक बहुत ही महान लीडर मिला है, पर उसके साथ जिंदगी बिताना ठीक नहीं है, गलत है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पड़ोसी भी नहीं जानते हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, और आज हमें तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। हम थोड़ी सी गलती क्या कर देते हैं, वो तो हमारा चलान ही काट देता है। अब उसे देखो खुद क्या कर रहा है। कम ऑन, इसमें इतना बुरा क्या हो गया है? ये उनका पर्सनल मैटर है। शरीफत भी बनके कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था। ऑफिस को ही प्यार करने का अड्डा बना लिया उसने। मंत्री भरत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इससे संबंधित कागज उन्होंने राज्यपाल को भेज दिए हैं और राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। खबर ये है कि अब से कुछ ही घंटों के बाद राज्य की राजनीति के सबसे पुराने नेता और नवोदयम पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक श्री वनराज नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देश के संविधान में अपनी पूरी आस्था रखूंगा और जो कार्य मेरे समक्ष लाए जाएंगे उनको मैं बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ और अहंकार के पूरा करूंगा। कहते हैं कि आप तो सीएम बनना नहीं चाहते थे, फिर किस बात ने आपको मजबूर किया सीएम बनने को? इस बारे में कुछ कहेंगे सर? जवाब आप सब लोग जानते हैं, गलत और सही मैं नहीं जानता, पर मुझे हमेशा यही लगता है कि सीएम की कुर्सी सिर्फ एक सिंहासन है जिस पर मैं कभी नहीं बैठूंगा, पर राज्य और पार्टी के भविष्य को लेकर मुझे ये फैसला लेना पड़ा। हेलो, वासु को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन बंद है और घर पर ताला है, मुझे उससे बात करनी है। वासु और उसके पापा घर छोड़कर अपने होम टाउन चले गए हैं सर। सीएम भरत,
ये यहाँ क्यों आए? शहर को क्यों छोड़कर जा रहे हैं? वहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल है सर। अच्छा है कि हम शहर छोड़कर चले जाएं। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे शादी करके लंदन चला जाऊंगा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं सर। दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है उससे हमें फर्क पड़ता है। उसे आपके साथ भेजकर मैं इस झूठ को किसी भी हाल में सच में नहीं बदलना चाहता हूँ सर। ट्रेन के चलने का टाइम हो गया, आपको यहां से जाना चाहिए। मैं हमेशा अकाउंटेबिलिटी और जवाबदारी की बात करते रहता हूं। हमारे प्यार के लिए तुम अकाउंटेबल हो। तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आदर्शों पर ही चलता रहा हूं मैं। तुमने उनसे भी अच्छा काम किया है। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अंदर से हमेशा ही जिंदा दिल रहते थे। चाहे लोग उनसे खुश हैं या नहीं भी हैं, वो उनकी जरूरत की हर चीज देते थे। पर तुम्हारे आते ही जैसे हर तरफ खुशियां ही खुशियां आ गई, सब कुछ बदल गया। तुम्हें माँ की जरूरत थी, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। एक माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश भी नहीं की मैंने, जानती हूँ मैं। पर तुमने अपने भाई के लिए उसके बाप की कमी को जरूर पूरा किया है। तुम मुझसे छोटे हो, फिर भी मुझे माफ कर देना। वो हमेशा कहा करते थे लोग ही उनका परिवार है, पर आज मैंने महसूस किया कि तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। हाँ सर, मैं बहुत से लोगों का पर्सनल सेक्रेटरी रहा हूँ, पर इतना पर्सनल कभी महसूस नहीं हुआ। आपकी वजह से आज मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वो बड़े होकर इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपको उनके लिए यहाँ रहना होगा सर। वसुमती से रिश्तों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो आपके फ्लैट में हर दिन आती है क्या? करने के लिए उसे अपने ऑफिस में काम दिया सर। क्या कहना चाहेंगे आप? आप सभी 10 मिनट के लिए चुप रहेंगे और मैं एक एक करके हर एक के सवाल का जवाब दूंगा। बस 10 मिनट के लिए चुप रहिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने 8 महीने 13 दिन काम किया। ये टाइम कम नहीं है। अगर 8 महीने के लिए भी अधिकार आपके हाथ में हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स या किसी भी किस्म के रूल्स को ना मानते हुए जब लोग मनमानी करते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन में लाया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो बंद होने की कगार पर हैं, जो अपनी पहचान खो चुके हैं, शुरू किए जा सकते हैं। इस स्टेट के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स जिनका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, सुधारे जा सकते हैं। पार्टी का नेता लोगों का नेतृत्व करता है, लेकिन जैसे ही वो नेता बनता है, वो कानून को, व्यवस्था को और राजनीतिक संपत्ति को अपनी जागीर समझता है। सॉरी,
ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को डराया जा सकता है? ऐसे ये नेता सत्ता में आकर ये भूल जाते हैं कि वो जनता के नौकर है और जनता मालिक, और फिर वही लोग डरा धमका कर लोगों पर राज करने लगते हैं। इन्हें यूं सबक सिखा सकते हैं, सालों तक अनसुनी की गई गांव की सारी समस्याओं को उसी गांव में रहकर समझा जा सकता है, उन्हें हल किया जा सकता है, उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार उन तक पहुंच सकते हैं। बस ऐसे। अगर कुछ नहीं पता तो मैं कहता हूं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस आई नो। अगर सिर्फ 8 महीने और 13 दिनों में इतना सब कुछ किया जा सकता है तो फिर 5 सालों में आप ही सोचिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। आई नो दिस। मुझे लगता है इन सब बातों से आपको शायद कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस लड़की का नाम है वासु। उस लड़की के आई एम नॉट डन येट। वासु जो है वो मिडिल क्लास लड़की है, अच्छी लड़की है, वो आप लोगों के जैसे ही है। एक आम सी लड़की है जो किसी इंसान को पसंद करती है, उसके साथ घर बसाना चाहती है और हमेशा खुश रहना चाहती है। उसे पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। बचपन में ही मां के गुजरने से मेरे जिंदगी में खालीपन आ गया था, लेकिन वासु के आने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियों की लहर आई, जैसे क्या कहूं। इनफैक्ट जब भी वो मेरे पास रही है मैंने दुगने जोश और मेहनत से काम किया। जिसने मुझे नई जिंदगी दी उसे मैं परी बना के रखना चाहता था, बट आई कुडंट। तुम लोगों की वजह से, तुम सब लोग बेशर्म हो, सारे के सारे। उस लड़की के बारे में एक बात बताऊं, ये जानने के बाद भी कि मैं उसे पसंद करता हूं, उसे प्यार करता हूं, आपको पता है शी यूज टू कॉल मी सर। हो सकता है शादी के बाद भी मुझे सर ही कहती, क्योंकि वो इस ऑफिस के इस पद की मर्यादा को समझती थी। लेकिन तुम लोग, यू कॉल्ड हर समथिंग एल्स, डिडंट यू? क्या था उस अखबार में, क्या लिखा था? हाँ, मुख्यमंत्री की रासलीला। लिखने वाला भी कोई बुजुर्ग था। आपकी बेटी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर है तो क्या आप ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस तरह का रिलेशन है? आप ऐसी घटिया न्यूज छापते हैं ताकि आप सैकड़ों न्यूज़पेपर बेच सके, अपनी टीआरपी बढ़ा सके, लेकिन क्या फायदा सर? जिस न्यूज से लोगों के दिल टूट जाए उससे कमाया हुआ पैसा आपको कभी रास नहीं आएगा। इतने हफ्तों तक लगातार आपने मुझ में और वासु में जो दिलचस्पी दिखाई है, इतनी दिलचस्पी अगर आप लोगों की समस्याओं में दिखाते तो वो यूं हल हो जाती, लेकिन शायद आप अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं चाहते। तो आपको आपके चुने हुए नेता मुबारक हो, ऐसे ही बेचारगी में अपनी जिंदगी गुजारते रहो। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर। आओ आओ, क्या हाल, कैसे हो? तुम लोग कौन हो भाई, यहाँ किस लिए आए हो? वही जिन्होंने आपको वोट दिया सर। ओ, तुम लोग? हमने आपको वोट देकर 5 साल के लिए सत्ता में बिठाया हमारे काम करने के लिए, लेकिन आज तक आपने एक काम नहीं किया। पर हमें अपना सीएम चुनने का अधिकार नहीं है। क्यों? मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हमारे पास है। हमें उस सीएम की कुर्सी पर सिर्फ भारत ही चाहिए, बिना वोट का लालच किए, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ हमारी जरूरतों को ध्यान में रखकर हिम्मत के साथ सारे काम किए उसने। सही बात है, सही बात है, सही बात है।
बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए। ये अर्जेंट मीटिंग किस लिए बुलाई है? क्या बात है? हमारे क्षेत्र की हालत हर दिन बद से बदतर होती जा रही है सर। जैसे उन्होंने एमएलए को चुना है, सीएम को भी वो खुद ही चुनना चाहते हैं। हाँ सर, जब भी हम अपने इलाके में जाते हैं, हर कोई ये सवाल पूछता है कि हमने सीएम को क्यों हटाया, बस इसी का जवाब चाहिए उनको। आप तो जानते हो भाई जी, ये कोई बस की सीट नहीं कि कोई भी आके टिक जाए, ये सीएम की सीट है और जनता बार बार यही बात कह रही है। हर कोई आपके सामने खुलकर बात करने से डर रहा है भैया जी, पर सच्चाई तो ये है कि अगर आप उसे सीएम नहीं बनाएंगे तो जनता पागल हो जाएगी। बाकी तो आप समझदार है, ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा रहेगा। हाय अरविंद। हेलो सर। ये लो बैठो। आपने मुझे एक इम्पोर्टेंट केस सौंपा था, लेकिन मैं प्रेशर नहीं झेल पाया, आपने ड्यूटी ठीक से नहीं की। कई बार आपसे मिलना चाहा सर, पर लगा कि आपका सामना नहीं कर पाऊंगा। सर उस गिल्ट को मन में रख के मैंने और मेरी टीम ने अनऑफिशियल तरीके से उस केस की इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला मिश्रा नाम का एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिसके पास इस केस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो डर के मारे यहाँ से कहीं चला गया। सुनने में तो आया कि वो किसी और स्टेट में चला गया। इस वक्त वो ओडिशा में बहरामपुर के एक छोटे से गांव में रहता है। सुनिए, ये आदमी कहाँ रहते हैं? वहाँ है ना? वहाँ पर? हाँ। अच्छा। लीडर के बेटे पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने के इल्जाम के बारे में सुन रहे हैं, पर अभी तक किसी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई भी केस फाइल नहीं किया गया है। सच पता लगाने के लिए मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। उसके इस गैर कानूनी संपत्ति में और भी कुछ पार्टनर है, जिनमें आपके सबसे अच्छे दोस्त नाना जी और श्री वनराज जी भी है। ये तुम क्या कह रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो पता है? सॉरी सर, शुरुआत में तो इस बात पर मुझे भी यकीन नहीं था। जब मैंने गहराई से छानबीन की तो पाया कि मनोहर के हर बुरे काम में नाना जी सहायता करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे का पार्टनर बन गए। इट्स अनइमेजिनेबल सर, इट्स अ रेयर डेडली कॉम्बो। सारे सबूत इसमें है सर। हम आपके एक्शन का इंतजार करेंगे सर। इसके कुछ दिन बाद ही वो चले गए और उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी अचानक मौत, उनका पोस्टमार्टम और उनका अंतिम संस्कार, ये सब के सब शक के दायरे में आते हैं सर। मैंने स्टेट छोड़ना ही बेहतर समझा क्योंकि मुझे लगा मैं वहां सेफ नहीं हूं, पर जब मैंने सुना कि आप राज्य के चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। पर आपके साथ भी आखिर क्या हुआ सर, हैरानी की बात नहीं है? मेरी सारी इन्फॉर्मेशन और एविडेंस इसी ड्राइव में मौजूद है। ये लीजिए सर, आप यहाँ आए हैं, वो लोग जरूर आपका पीछा कर रहे होंगे। मैं भी इस जगह को अभी छोड़कर चला जाऊंगा, अगर उन्हें पता चल गया कि आप मुझसे मिलने आए हैं तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। बी केयरफुल सर, जल्दी निकल जाइए यहाँ से।
आराम से, ठीक है? छोड़ दूंगा, पर तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारे जैसे और कितने लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं उनसे लड़ने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए। इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। शाम होने से पहले सबको खत्म करना है, उसके बाद मुझे उससे मिलने जाना है जिसने तुम्हें मुझे यहां पर खत्म करने के लिए भेजा। Thank you.
भगवान के समान है भैया जी। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी जान ले लेंगे। अब इस गांव का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। जहां भी छुपे होंगे हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देंगे। आप आइए हमारे साथ सर। जो हुआ वो सही था या गलत उसे किनारे पर रख देते हैं। आपके गुस्से की एक और वजह थी 40 साल की दोस्ती। सब लोग ये बात जानते हैं और आपके और मेरे पिताजी की दोस्ती की मिसाल देते हैं, गलत देते हैं। आप दोस्ती के लायक नहीं। इस तस्वीर में जो रिश्ता दिखाई दे रहा है वो झूठ नहीं बल्कि सच है। कह दो मैं चला जाऊंगा। वो तुम्हारे पिता थे जिसने इसे झूठा समझा था। हमने जवानी में ये सपना देख लिया था कि हम लोगों की सेवा करेंगे। हमने एक पार्टी खड़ी की सत्ता में आने के लिए और सेवा करने के लिए। उस पार्टी का कामकाज चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, कुछ गलतियां करनी पड़ती है, कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है और कुछ लोगों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। ये सब ना सोचकर तुम्हारे पिता ने मुझ पर शक किया। वो तो मुझे जेल भेजना चाहता था। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। पिछले 40 दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं पर तुम मिलने नहीं चाहते। 40 सालों की दोस्ती हमारे भाई, और अचानक कि तुम मेरे खिलाफ हो गए। तुम्हें दुख नहीं पहुंचा? कोई तुम्हारे पास आता है और आकर मेरे बारे में कुछ भी कहकर चला जाता है, तुम ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मेरे खिलाफ केस करके तुम मुझे जेल भेजना चाहते थे और मुझे पता भी नहीं इसके बारे में। हाँ मैं थोड़ा बुरा हूं, मानता हूं भ्रष्ट भी हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा दोस्त तो हूं। कोई गलती हो जाए तो दोस्त को माफ नहीं कर सकते। ये कौन सी राजनीति भाई? तुम्हें लगा सब तुम्हारे अधिकार में, पर ये नहीं जानते कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। कई बार सोचा कि तुम्हारे पास आकर बात करूं, सोचा कि तुम्हें समझाऊं, पर पता चला कि तुम मिलोगे ही नहीं। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जरा खुद की हालत देखो।
तुम्हारी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। पिछले कई दिनों से मैं डॉक्टर्स की मदद से तुम्हारी बॉडी में मेडिसिन की जगह जहर डाल रहा हूं। मेरे कहने पर ही उन्होंने तुम्हें ऐसे इंजेक्शंस दिए हैं जिससे तुम्हारा पैर, हाथ और तुम्हारा मुंह पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। आज से हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी क्योंकि मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं। तुम्हारा टाइम आ गया है राघव। अगले जन्म में मुमकिन हुआ तो हम फिर मिलेंगे। अलविदा। पहले मेरा जिगरी दोस्त था, उसके बाद किसी का पिता या लोगों का लीडर था। जितना दुख मुझे हुआ शायद ही किसी को होगा, पर मैं क्या करता। देखो तुम्हें अपनी उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक समझदार इंसान हूं। क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये समझने की काबिलियत है तुम में। आपने कहा कि कुछ करना हो तो आपके पास अधिकार होने चाहिए, लेकिन अधिकार पाने के लिए ऐसी गलतियां करनी पड़े, ये कैसा सिद्धांत है? आपको लगता है ये सब करके आगे बढ़ गए? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती की, और फिर गलतियों का सिलसिला शुरू होता गया। और जब तक मैं यहां पहुंचता आप सब कुछ खत्म कर चुके थे। अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया आपने। सारे सबूतों के साथ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भरत, देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूं। जनता के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। तो मैं तुम्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दूंगा और राजनीति हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो प्लीज। आप मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं? आप अब भी मुझे समझ नहीं पाए। इस कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में कुछ आता है तो वो है अकाउंटेबिलिटी। लोगों को आपकी असलियत का पता चलना चाहिए। जब जीवन भर झूठ पर जीते आए हो तो आज सच का सामना करो। आपके पास मुझसे ज्यादा तजुर्बा है तो आप ही सोचिए कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और निर्वहन करूंगा शुद्ध अंतकरण से। मैं पूर्ण आस्था और श्रद्धा रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना इस राज्य के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं।